नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं जीके स्टडी। तो वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो अभी एलाइड का एग्जाम हुआ है 29 को, उसके बारे में। तो हिमाचल सेक्शन को यहां पर हम अभी डिस्कस करेंगे, बाकी जो इंडियन वाला सेक्शन था उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो मैंने बुक्स से और नेट पे सर्च करके आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है कुछ एक आंसर गलत हो, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। तो अगर आपको उसके बारे में करेक्ट पता होगा, आपको बिल्कुल पता है कि 100% ये नहीं है, दूसरा आंसर है, तो आप उसका कमेंट कर दीजिएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। बाकी एक दो दिन बाद ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा सबसे पहले, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अप्रोक्स 60 के अप्रोक्स जो थे हमारे पास क्वेश्चन थे, आपको पता ही होगा 60 और 61 के आसपास, क्योंकि एक हिमाचल का जो क्वेश्चन था वो लास्ट में दिया गया था बाद में, तो 60 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारा, कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किससे संपादित की। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर है वो कैप्टन हारकोर्ट, अकॉर्डिंग टू बुक अकॉर्डिंग टू नेट जो इसका आंसर है वो कैप्टन हारकोर्ट है, ठीक है। बाकी जो हमारा आंसर की आएगी उसमें हम बाद में चेक करेंगे। तो अगर आपको लगता है ये आंसर सही है तो आप ठीक है, नहीं लगता है गलत है, अगर आपको पता है 100% इसका आंसर कोई और है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसलिए मैंने यहां पर थंबनेल में आपने देखा होगा डिस्कशन लिखा है कि हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूं मैं आंसर की बता रहा हूं, आंसर की का मतलब वो होता है कि मैं आपको 100% करेक्ट बताऊं कि हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पठियार और कनिहार के शिलालेख जिनमें उस क्षेत्र का पूरा लेखीय रिकॉर्ड है किस श्रेणी के है। कास्ट के शिलालेख है, पीतल के शिलालेख है, चट्टानों के शिलालेख है और ताम्र के शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर है वो है चट्टानों के शिलालेख। तो ये बहुत से क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो सही है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन सही है, जिसने लगाया होगा उसका सही हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शताब्दी के आसपास लाहौल के ठाकुर और राणा चंबा रियासत के अधीन आ गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। कितना सही है कितना गलत है वो आपको 2-3 दिन बाद खुद ही पता लग जाएगा, बाकी आपको जिसका 100% पता है वो आपको पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला की पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा थी, तो वो थी बलसन। अगला है, सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी पांगणा बनाई, ठीक है। तो ये है बीरसेन, इसका आंसर जो है वो बीरसेन है। अगर आप नेट पे सर्च करते हो कई बार आपको मदन सेन भी लिखा हुआ मिलता है, बट इसका जो आंसर है वो बीरसेन है। नेक्स्ट है, लाहौल और कुल्लू के क्षेत्र किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1840। ये तो कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो इसका यही आंसर है 1846। अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शिमला हिल रियासत ने 1814 और 15 के आसपास गोरखाओं के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसका जो आंसर दिया गया वो है उपयुक्त सभी, यानी कि बुशहर, कहलूर और हिंडूर सभी ने। नेक्स्ट है, 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खां के बेटे जीवन खां से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने में किसने कांगड़ा के राजा घमंडचंद की मदद की थी। तो वो है जयसिंह कन्हैया ने मदद की थी। अगले की बात करते हैं, किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि धारण प्रदान की थी। तो ये की थी औरंगजेब ने, तो ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, तो इसका आंसर औरंगजेब है। नेक्स्ट है, सिरमौर रियासत को के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी राजबन से काल से बदली। तो इसका जो आंसर है वो है उदित प्रकाश। नेक्स्ट हमारे पास, किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्शक संस्था नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 1921 में, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है, कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया जबकि वास्तव में वह जीवित था। तो इसका आंसर है हमारे पास हरिचंद। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, औदुम्बर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि का संतान मानते थे। तो इसका आंसर है हमारे पास विश्वामित्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खंपाओं को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है थावा खंपा। अब कितना सही है, ठीक है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बट मुझे जहां भी बुक्स वगैरह से मिला वो मैंने कर दिया, नेट वगैरह से जहां भी मैंने सर्च की, तो थावा खंपा जो है मुझे मिला आंसर, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की गोरखाओं के साथ हुई लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई उसमें किन ठकुराइयों को बुशहर रियासत के अधीन कर दिया गया। तो वो कर दिया गया खनेटी और देलट। नेक्स्ट है, ऊपरी सिरमौर क्षेत्र में मृतक व्यक्ति के कान में लामा जो कथन फुसफुसाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है फोहा। किन्नर देश पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि राहुल संस्कृत्यायन जो है वो किन्नर देश पुस्तक के लेखक है। पार्वती नदी का स्रोत कौन सा, ये भी हमने डिस्कस किया था कि मानतलाई जो झील है वो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। अगर सीरीज की बात करें तो ये ए सीरीज है, बाकी क्वेश्चन तो सब में सेम होंगे, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, और ये सेम ही हो गया आई थिंक, औदुम्बर वाला, पहले भी ये औदुम्बर वाला था, ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं, सेम ही हो गया। नेक्स्ट है हमारा,
हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको पता ही होगा, 55,673 वर्ग किलोमीटर, सभी ने पढ़ा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में आता है? तो लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसका जो आंसर था वो था 25%। नेक्स्ट है, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो शिपकी था इसका जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है हमारा कुल्लू में। चंद्रनहान हिमनद यानी कि ग्लेशियर किस नदी को सिंचित करता है? तो वो करता है हमारा पब्बर को। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में कौन सी पर्वत श्रृंखला मानक पर्वत के नाम से जानी जाती है? तो ये मैंने डिस्कस भी किया था एक बार, किसी ने कमेंट किया था, उन्हें कंफ्यूजन थी, तो वहां पर मैंने इसको बताया था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, सारी आप देखते हो, तो आपको पता होगा, तो वो कहा जाता है हमारा शिवालिक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है? ठीक है, तो वो है तेलंग। नेक्स्ट है, नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो है हमारी चंबा में। नबाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? तो वो है हमारा सरका घाट। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात क्या है? तो वो है 972। शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली ठकुराई कौन सी थी? तो वो थी ठियोग। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई थी? तो वो हुई थी 1970 के आसपास। नेक्स्ट की बात करते हैं, दरानी घाट शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में है? तो वो है रामपुर बुशहर में। नेक्स्ट है, ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस स्थापित करने की कल्पना की थी का निवास शिमला में किस इमारत में था? देखिए, अब ये जो क्वेश्चन था, जस्ट एग्जाम से थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो उन्होंने, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा इसका आंसर, तो रोहतनी कैसल, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया था, तो रोहतनी कैसल जो था इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होने वाला रेणुका मेला किस दिन के आसपास शुरू होता है? तो होता है दिवाली के 10 दिन बाद। कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ताबो मठ। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार को किस कार्यक्रम का नाम बदलकर, मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम का नाम बदलकर विकास में जन सहयोग रखा गया है? ठीक है, तो गांव भी अपना काम भी अपना। तो ये क्वेश्चन जो है वो नेट से सर्च किए गए हैं, क्योंकि मुझे बुक्स में वगैरह में मिल नहीं रहे थे। तो इसको अगर आपको कुछ लगता है, मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप कमेंट करके उसका सही आंसर बता सकते हो। ठीक है, निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो वो जुड़ा है हमारा चंबा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पकौड़ा शिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो हिडिम्बा देवी कुल्लू। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर और कोटगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है उपभाषा? तो वो बोली जाती है कोची। नेक्स्ट है, 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति यानी कि डिप्यूटी स्पीकर कौन थे? तो वो थे कृष्ण चंद। ठीक है, जयवंत राम थे जो वो स्पीकर थे, ठीक है, और कृष्ण चंद थे जो हमारे डिप्यूटी स्पीकर थे। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया? तो 1963 यानी कि 1963। नेक्स्ट है, 1948 में स्थापित की गई हिमालयन प्रांत प्रोविजनल सरकार जिसका मुख्यालय शिमला में था का मुख्य कौन था? तो वो थे शिवानंद रमोल। नेक्स्ट है, सिरमौर क्षेत्र के हार नामक लोकगीत और बिलासपुर मंडी तथा कांगड़ा क्षेत्रों के झेड़ा लोकगीत का विषय क्या है? तो वो है हमारा प्राक्रम। नेक्स्ट है, कायांग नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? हम डिस्कस कर चुके थे किन्नौर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला में कहां पर है? तो वो है आर्म्सडेल बिल्डिंग में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पंडोगा में। शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो है हमारी सतलुज पर। हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो वो आता हमारा 1952 में। नूरपुर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी? तो जेठपाल भी लिखा होता कई बार, जेठपाल भी, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो जेठपाल ने की थी। गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं हमारे बिलासपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रोहडू शिमला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्योली बिलासपुर आई थिंक मैक्सिमम ने लगाया होगा, तो वहां पर जो है मछली पालन केंद्र है सबसे बड़ा, जो ट्राउट होता है वो रोहडू होता है, एक दो जगह और भी होता है। नेक्स्ट है, शिमला के निकट किस स्थान पर गोल कोर्स है? तो ये आपको पता होगा नालदेहरा में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा स्थान हर्बर गार्डन के लिए जाना जाता है? तो जंगल झलेड़ा जो है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को किस बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है? तो वो है पीएनबी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन हेतु पट्टा प्रदान किया गया है? तो वो है अलसीडी में सीमेंट प्लांट है। और शिमला जिले के कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए जाना जाता है? तो नारकंडा। नेक्स्ट है, किंकरी देवी ने 1987 ईस्वी में किस मुद्दे का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी? तो वो थी गैर कानूनी उत्खनन, ठीक है, जो माइनिंग होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किसे 1982 में उसकी रचना पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे किशोरी लाल वैद्य। नेक्स्ट है हमारा 1967 में निर्मित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 3। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किस चुनाव में बीएसपी ने 1 सीट जीती थी, तो 2007 में। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर मार्जिन से जीत दर्ज की गई है, किसने की थी, तो वो की थी विनोद कुमार नाचन ने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हिमाचल जीके के, सिर्फ हिमाचल जीके के हमने डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन वही और भी आ रहा था लिटरेसी वाला, ठीक है, मेल लिटरेसी रेशियो पूछी गई थी उसमें, तो उसका जो आंसर था वो था 90, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, यहां पर मैंने क्वेश्चन उसको ऐड किया है। तो 60 क्वेश्चन थे अप्रोक्स हिमाचल प्रदेश जीके से, और सभी के मैंने आपको आंसर डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, या फिर इस क्वेश्चन का हमें पता है कि 100% आंसर है जो वो दूसरा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हम और भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम हमने जो डिस्कस करेंगे वो सही है, ठीक है, एक आधा होता है जिसमें डाउट हो जाता है, और ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, और उसके साथ हम अपने क्वेश्चन जरूर मिलाएंगे। तो आई होप आपका सभी का अच्छा हुआ होगा एग्जाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।